This one smells like men's perfume. Huh. और ये यूकेलिप्टस मिंट है बट इसकी इस फ्रेग्रेंस मुझे मिंट जैसी नहीं लग रही है बट स्टिल इट स्मेल्स लाइक आई डोंट नो. सो स्टार्टिंग द व्लॉग विद सम फूड मास्क. नॉट मास्क एक्चुअली, इट्स अ फूड पील. नहीं, मास्क ही है बट ये पाँव की जो ड्राई स्किन होती है उसे पील ऑफ कर देता है, इसलिए इसका नाम फूड पील है. फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ बट सुना काफ़ी है इसके बारे में, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं. और ये बैक पर इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं. ये जो ब्रांड है स्किन रिपब्लिक, इसकी मैंने और भी हैंड ऑफ फूड मास्क यूज़ किया है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, रेगुलरली यूज़ करती हूँ वो मैं, तो आई थिंक ये भी अच्छा ही होगा. और आज इज़ संडे विच मीन्स माई फूड केयर डे. नॉर्मली मैं सिर्फ अपने पाँव को वार्म वाटर में सोक करके स्क्रब करती हूँ बट आज ये मास्क यूज़ कर रही हूँ. और अक्सर मैं एक मॉइस्चराइजिंग मास्क भी यूज़ कर लेती हूँ, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी. ये मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसको हमें बीच से सेपरेट करके अपने पाँव में पहनना होगा. सो ये नहीं, मैंने हाथ से सेपरेट कर लिया बट बेटर था कि मैं इसको सीजर से काट लेती, बट अभी के लिए ये सही. सो एज़ पर डायरेक्शंस इसको काम करने में अराउंड 7 डेज लगेंगे. सो मैं आपको अपडेट 7 डेज के बाद ही दूंगी जब इसके रिजल्ट्स शो होने लगेंगे. अभी मैं इसको पहनने के बाद 90 to 120 मिनट्स वेट करूंगी और फिर वॉश ऑफ कर लूंगी. और ये वो मास्क है जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ. ये मैं वीक में एक दफ़ा या कभी कभी 2 वीक्स के बाद यूज़ कर लेती हूँ. सो मास्क मैंने रिमूव कर लिया है और पाँव वॉश भी कर लिए हैं और इसमें कोई मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा है. ये पाँव एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे, बट लेट्स सी 7 डेज तक क्या होता है. 7 डेज के बाद मैं आपको अपडेट दूंगी. हेलो, वेलकम बैक. सो सेम डे है, संडे, और बस मैं रात में अपनी वीडियो एडिट कर रही थी. रात के 2 बज रहे हैं और मुझे इसी वक्त वीडियोस एडिट वगैरह करने का टाइम मिलता है. और बस एडिट करते हुए मुझे याद आया कि आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. और जब हॉल कर ही रहे हैं तो जो वीकेंड पर भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. सो सबसे पहले ये जो मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग की थी वो यहाँ पर रखी हुई हैं चीज़ें. दूसरा ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है और ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी दिखाती हूँ. सो सबसे पहले तो ये मैंने बैग लिया है, डार्क ग्रीन कलर में. H&M से लिया था ये मैंने. क्वालिटी इसकी कोई ख़ास अच्छी नहीं है लेकिन कलर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था. और ये काफ़ी बड़ा है, मुझे बड़े बैग की बहुत नीड थी बिकॉज बेबी के साथ बहुत सारा सामान हमेशा लेकर जाना पड़ता है और हर जगह डायपर बैग अलग से कैरी करना पॉसिबल नहीं होता. सो बड़ा बैग एक मुझे चाहिए था. इसके अलावा ये H&M से ही मैंने हेयर बैंड्स का सेट लिया था अपनी बेटी के लिए. और ये मैंने ब्रशेस लिए थे सेंटर पॉइंट से, रियल टेक्निक्स के. ये आई शेडो ब्रशेज़ हैं. मेरे पास जो ज़्यादातर ब्रशेज़ हैं वो अली एक्सप्रेस के हैं, तो उसमें जो अली एक्सप्रेस के सेट्स होते हैं उसमें आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ इतने अच्छे नहीं होते. सो ये मैंने लिया है इसके लिए. और ये मैंने हूप्स लिए थे, ऑल्डो से लिए थे ये. इसके अलावा एक ये मैंने इयर रिंग्स भी लिए थे, ये भी काफ़ी अच्छे हैं. ये मैं अपनी एक वीडियो में भी पहन चुकी हूँ जो मैंने लास्ट अपनी सिंगापुरियन राइस की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने पहने थे. और ये आज मुझे रिसीव हुआ है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का. इसमें इनकी काफ़ी एक बहुत अच्छी सेल आई हुई थी, ऑफर थी, जिसमें हमें 5 हैंड सोप्स हम ले सकते थे इन 70 रियाल्स. तो मैंने ये 5 चूज़ किए. 2 पीच बेलिनी है. इनकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है तो ये तो मैं हमेशा ही लेती हूँ. ये 2 मैंने लिए हैं. थर्ड ये मैंने लिया है, दिस वन, स्ट्रेस रिलीफ, यूकेलिप्टस एंड टी. और
ये एक मैंने हैंड क्रीम ली है, ये फूड स्क्रब है, ये बॉडी वॉश है, 1000 विशेज, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है इस रेंज की। और इसके अलावा दो हैंड सोप्स और भी थे, वो शायद मैंने आज इनको ओपन कर लिया है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये एक मैंने हैंड क्रीम ट्रेवल साइज भी रीपर्चेज की है, ये मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बैग्स में कैरी करने के लिए बहुत अच्छी है। देन हमारे पास ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। सबसे पहले हमारे पास ये शर्ट है, इनकी काफ़ी अच्छी ऑफर आई हुई थी buy 1 get 1 free की। ये शर्ट अभी थोड़ी बड़ी है साइज़ में, तो ये अभी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये अभी मैं रख दूँगी और बाद में पहनाऊँगी। ये हमने बूटीज़ ली थी जूनियर्स से, ये आज मैंने पहना दी थी अपनी बेटी को, ये भी बूटीज़ हैं। ये एक स्कर्ट है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है गिगल्स का, ये भी हमने सेंटर पॉइंट से लिया था। देन वी हैव दिस टॉप, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये मदर केयर से लिया है। देन वी हैव दिस जीन्स, और ये भी मदर केयर से लिया हमने। देन ये जीन्स जूनियर्स की है, सेंटर पॉइंट पर मिलती हैं ये। ये दिस वन, ये सेट है, शर्ट ये है इसकी डेनिम और इसके साथ ये शॉर्ट्स हैं। ये काफ़ी प्यारा समर ड्रेस है, बहुत अच्छा लगेगा गर्मियों में। देन ये एक टॉप है, पिंक है, ये सेपरेट है टॉप, बट इसके साथ मैंने ये स्कर्ट लिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया, दिस वन, ये इसके साथ अच्छा लगेगा तो मैंने ये इसके साथ ले लिया था। अनदर शर्ट फ्रॉम मदर केयर, देन ये एक सिंपल ग्राफिक टी शर्ट है, ये भी हमने लिया है जूनियर से। ये टॉप भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये भी buy 2 get 1 free की जो ऑफर है उसमें लिया है हमने। देन ये दो फ्रॉक्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। और लास्ट ये है शर्ट, फ्रॉक है ये भी, ये दोनों भी बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स हैं, स्पेशली समर के हिसाब से ये वाली बहुत अच्छी है। और ये हैं दो और हैंड वॉशेज बाथ एंड बॉडी वर्क्स के। तो अभी के लिए इतना ही, और जो फुट मास्क मैंने यूज़ किया है उसकी बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और देखते रहिएगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।